इस अवसर पर राज्य कमेटी के राज्य प्रधान रामफल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने सरकार से कारीगरों को समुचित सुविधाएं और अन्य लाभ देने की मांग की। AIUTUS का तीसरा भिवानी सम्मेलन सैनिक धर्मशाला में यूनियन के जिला प्रधान वजीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसके मुख्य वक्ता राज्य कमेटी के राज्य प्रधान रामफल तथा संचालन कार्य संगठन के जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार जांगड़ा ने किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता रामफल ने कहा कि भवन निर्माण कारीगर मजदूर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है तथा उनका समाज की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान भी है। इन सबको सरकार की ओर से समुचित आर्थिक सहायता, सुविधाएं, हित लाभ और मान मर्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें ये सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए कतई गंभीर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की मजदूर विरोधी और गलत नीतियों के कारण उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता है। इस कारण वत्तफाओं ने भवन निर्माण श्रमिकों को राहत प्रदान करने हेतु उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने की मांग की। जिला का सम्मेलन संपन्न हुआ है जिसमें 21 सदस्यीय कमेटी का निर्माण कराया गया है और सरकार से मांग रखी गई है और भवन निर्माण मजदूरों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको सरकार ज़्यादा जटिल से जटिल बनाती जा रही है। एक महीने में ये केस का हक भाई सरकार बोर्ड बंद करने की तरफ बढ़ रही है, तो उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, उनका नया पंजीकरण है, उनको ऊपर रोक लगाए हुए हैं। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। सम्मेलन में ये प्रस्ताव पास किया गया है और जल्द से जल्द भवन निर्माण से जुड़े हुए जो मजदूर है, मिस्त्री है, उनकी समस्याओं का अगर जल्दी सरकार ने ना समाधान कराया तो आने वाला टाइम में बहुत बड़ा एक आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा कराया जाओगा। 1845 का तीसरा जो सम्मेलन कराया है इसको हम जो एक 21 सदस्यीय जो कमेटी का गठन किया है और ये इसलिए तो गठन किया है ताकि आपके आने वाला टाइम में और तेज संघर्ष किया जाए। अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर।